पहली चीज तो यही है, इसके सप्लीमेंट्स का, इसके प्रोडक्ट का जितने भी हैं, पीनट बटर है या हंग वाटर है इसका, ये सप्लीमेंट्स हैं जो भी हैं, सबका बायकॉट करो। हर हर महादेव सबको। राम राम भाइयों, मैं रविंदर मलिक, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग एथलीट। आप में से काफ़ी बंदे मुझे जानते होंगे, काफ़ी बंदे मुझे नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ। तो बिकॉज ऑफ माई ड्यूटी मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत हूँ, आई मीन इंडियन एयरफोर्स। तो मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बता दूँ, मैं करंट मिस्टर साउथ एशिया चैम्पियन हूँ 2019, और करंट मिस्टर ओलंपिया अमेचर मुंबई 2019 में जो हुआ था उसमें सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, 5-6 बार कंटिन्यू नेशनल मेडलिस्ट भी हूँ, और करंट मिस्टर सर्विसेज भी हूँ, मिस्टर सर्विसेज चैम्पियन भी हूँ, और इसके साथ मिस्टर हरियाणा मिस्टर एयरफोर्स के टाइटल भी मैं जीते हुए। तो चलो अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है साहिल खान कंट्रोवर्सी वाला, आप लोग सब जानते ही होंगे, तो उसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, उसको एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा है नहीं यहाँ पे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सीधी टॉपिक पे ही बात करते हैं। तो ये वीडियो मेरा मनोज सर के सपोर्ट के लिए है, एक सपोर्टिंग वीडियो है उनके लिए, और हमारे सीनियर एथलीट हमारे बड़े भाई रामनिवास मलिक की वीडियो का भी एक सपोर्टिंग वीडियो है ये, और भरत सिंह वालिया छोटे भाई जो है उन्होंने भी एक वीडियो बनाया है इसी कॉन्ट्रोवर्सी पे, तो उनके सपोर्ट में भी एक वीडियो है, ठीक है। तो अब बात करते हैं साहिल खान और मनोज पाटिल सर की कॉन्ट्रोवर्सी का। तो भाइयों देखो, बात ऐसी है, मैं सीधे शब्दों में एक ही बात कहूँगा, बाकी चीज़ें छोड़ो, सब कुछ आप लोगों के सामने है, इतने दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है, आप लोगों को सब पता है सारे, और ये किसी चीज किसी से छुपा नहीं है कि मतलब साहिल खान कैसा बंदा है। वो बंदा एक पैसे के गुरूर में इतना हवा में उड़ रहा है आज का दिन, किसी को इंसान को इंसान नहीं समझता, सबको वो नौकर समझता है, सब उसके लिए नौकर है, हम जितने भी एथलीट हैं सब उसके नौकर हैं, ठीक है। कोई डजंट मैटर हम ये साला झंडे उठा के विदेशों में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वो कोई मतलब नहीं उसको, हम सब नौकर हैं उसके लिए, ठीक है। दूसरा, मैं आप लोगों से, जितने भी हमारे सीनियर एथलीट हैं या फिर इस फिटनेस इंडस्ट्री से जितने भी जुड़े हुए हैं उन सब से, और साथ में जो हमारे बहुत से बंदे जो सप्लीमेंट की दुकान खोले बैठे हैं, उन सब से ये अपील करूंगा कि साहिल खान के सप्लीमेंट का बायोकाट करें, उसके पीनट बटर का बायोकाट करें, ठीक है, उसकी फ्रेंचाइजी लेना बंद करें, क्योंकि इसी इंडस्ट्री से वो खा रहा है भाई। चाहे वो किसी भी गेम का एथलीट हो, बॉडी बिल्डिंग हो, रेसलिंग हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, तुम उन्हीं सब बंदों को तो बेच के, सप्लीमेंट बेच के, या फिटनेस जो फिटनेस रिलेटेड कुछ अपने कर रहा है उन सब बंदों को अपना ये सब बेच के, तभी तो तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, हम लोगों से तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, और हम ही तुम्हारे नौकर हैं, मतलब पैसा भी हम ही दें तुम्हारे बिजनेस के लिए, पैसा भी हम ही दें, तुम्हारे प्रोडक्ट खरीदें, और नौकर भी हम ही हैं फिर तुम्हारे, तुम्हारी जेबें भी हम भरें साला, और नौकर भी हम, ठीक है। तो मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, खासकर अपने हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, अपने एरिया के जितने भी समाज के अपने भाई हैं, सारे भाइयों से अपील करता हूं कि इस बंदे को बायकॉट करें, इस बंदे को बायकॉट करें, ये स्पष्ट शब्दों में मैं बोल रहा हूं, क्योंकि पाप का गड़ा इसका भर चुका है, बहुत टाइम से देख रहे हैं इसको हम, ये किसी को जब मन किया इसको इंसल्ट कर देता है, और इसके जितने भी ये फॉलोअर, ये गंजेड़ी नशेड़ी चपेड़ी जितने भी है ना, जिन्होंने इसको फिटनेस आइकॉन बना रखा है, भाई काहे का आइकॉन, क्या किया है तुमने देश के लिए, क्या कर दिया तुमने बॉडी बिल्डिंग के लिए, या एक बंदा तुम बता दो जिसको तुमने बॉडी बिल्डिंग या किसी भी गेम का, बॉडी बिल्डिंग तो छोड़ दो, या किसी भी गेम का कोई एथलीट तुमने किसी को स्टार बनाया हो, किसी ऊंचे लेवल पे पहुंचाया हो, किसी को तुमने सपोर्ट किया हो, एक बंदा मुझे बता दो जिसको तुमने सपोर्ट करके एक सक्सेस के मुकाम तक पहुंचाया हो, एक बंदा नहीं है। हर किसी से कंट्रोवर्सी इसको करनी है और अपनी जेबें भरता रहता है। तो मैं सभी भाइयों से अपील करता हूं, पहली चीज तो यही है, इसके सप्लीमेंट्स का, इसके प्रोडक्ट का जितने भी हैं, पीनट बटर है या हंग वाटर है इसका, ये सप्लीमेंट्स हैं जो भी हैं, सबका बायकॉट करो, ठीक है।
इसी से इंडस्ट्री से खा रहा है तो इसी इंडस्ट्री से ठीक है, हम इसका बायकॉट करेंगे। हमारे जितने भी पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली, ये जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे एथलीट हैं, सीनियर एथलीट हैं, या जितने भी और गेम के जितने भी खिलाड़ी हैं, सभी एथलीट ही हैं, सभी भाइयों से मैं अपील करता हूं, इसका बायकॉट करो। और दूसरी, ये महाराष्ट्र वाले भाइयों से मैं बोलता हूं, भाई तुम भी, तुम लोगों ने ही सबसे ज्यादा, तुम लोगों ने ही चढ़ाया इसको, महाराष्ट्र ने ही इसको आज इतना सब एक बिजनेसमैन बनाया है, इतना पैसा कहां से, महाराष्ट्र से ही इसने लूटा है। तो महाराष्ट्र सारे के महाराष्ट्र जितने भी हमारे भाई हैं, उन मराठी भाइयों से मैं अपील करता हूं कि भाई तुम छत्रपति शिवाजी के जी के वंशज हो, बायकॉट करो इसका, ये मराठियों को मतलब कुछ समझता ही नहीं है। एक बार संग्राम सर के पीछे पड़ गया, अभी मनोज सर के पीछे पड़ गया, और भी पता नहीं कितने, और भी कोई करण धीर कोई भाई है उनके पीछे था, पता नहीं कितने कितने, हम तो ऐसे देखते रहते हैं। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो इसके बायकॉट के लिए है, क्योंकि ये तभी बंदा तभी सुधरेगा जब इसको हम नीचा दिखाएंगे, इसके बिजनेस को हम नीचा करेंगे। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रोवर्सी में मैं और ज्यादा तो कुछ बोलूंगा नहीं, आप लोगों ने सारी चीजें देख ली हैं, कौन सही है कौन गलत है, खुला धमकियां देता है कि मैं देखो उस माले पे तुम्हारा घर आ रहा हूं, ये देखो ये तुम्हारा घर आ गया हूं बाहर, भाई तू हरियाणा में आके दिखाना है ऐसे, कि हम चैलेंज करते हैं तेरे को, तू हरियाणा में आके गाँव में किसी जैसे अपने वो गंजेड़ी चपेड़ी जो लेके आया था ना मनोज भाई के घर पे, दिखा रहा था मैं आ गया हूँ देखो मेरे को बोला है, वो बेचारे शरीफ आदमी है, तो हरियाणा में आके दिखा किसी गांव में, ठीक है वहां आके दिखा और वहां बोल देख अपने गंजेड़ी चपेड़ी सबको लेके आ जा तू हरियाणा में किसी भी गांव में, ठीक है किसी को भी हमें चैलेंज कर दे, किसी को कर दे तू आ, हम तो आएंगे ही नहीं, हमारे गाँव के बड़ी जो बूढ़ी औरतें होती उनको ताई बोलते हैं हम, वो ताई साले जूती निकाल के तेरे चेहरे पे इतना मार देंगी ना, बंदर जैसा, बंदर के पिछवाड़ा होता है ना वैसा लाल चेहरा कर देंगे जूती मार मार के तेरा, ठीक है जो तू ये गुंडागर्दी फैला रहा है। ठीक है भाइयों, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, हम सबको जितने भी एथलीट हैं चाहे वो किसी भी गेम का हो, हम सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ बायकॉट करना है, दैट्स इट, ये मेरा सबसे अपील है। फिर देखते हैं इस भाई को, वो जो पीनट बटर बना रहे हो ना, वो अपने पिछवाड़े पे लगा के सोना तुम फिर रात में।